हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बीट एक्सपी कंपनी के ओर से आने वाला बीट एक्सपी टेरा स्मार्ट वॉच। जैसे कि इसका माइक की क्वालिटी किस टाइप की, स्पीकर की क्वालिटी किस टाइप की, कितना इसको डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाता है, रिफ्रेश डिस्प्ले का किस टाइप का, और इसके अंदर क्या फीचर है, कौन से एप्लीकेशन के साथ में यूज करना चाहिए, ओवरऑल कुछ बेनिफिट है भी कि नहीं, या फिर बैटरी लाइफ इसकी कितनी देखने को मिल जाती है, स्ट्रैप की क्वालिटी किस टाइप की, स्ट्रैप को आप चेंज कर सकते हो भी कि नहीं, वो सारी चीज़ें। तो आप भी सोचोगे अच्छा सा स्मार्ट वॉच बाय करने के लिए राउंड शेप में, आपका बजट अराउंड 1200 रुपीज़ के करीब है। तो ये मैंने अमेजोन से बाय किया, 1299 का अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये कोई 1500-1600 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। तो कुछ इस टाइप का ओवरऑल बॉक्स पैकिंग देखने को मिल जाता है। इधर बीट एक्सपी की ब्रांडिंग, वॉच का इमेज देखने को मिलेगा, इधर 1.39 इंच का डिस्प्ले दिया गया, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बताया गया, ब्लूटूथ कॉलिंग इसके अंदर दिया गया। तो चलो करते हैं इसे अनबॉक्स। पैकिंग काफी प्रीमियम की गई है, यहाँ बीट एक्सपी की ब्रांडिंग और इसके अंदर आते हैं वारंटी कार्ड। जैसे बाय करो अपनी वारंटी रजिस्टर कर लीजिए। इधर बीट एक्सपी टेरा देखने को मिल जाता है, जो एप्लीकेशन रहेगा, और इधर इसके कुछ वाउचर भी है, नेक्स्ट टाइम कुछ भी परचेस करो तो 500 ऑफ मिल जाएगा, कुछ स्टिकर भी दिए गए। ये रही स्मार्ट वॉच, बाकी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। एक आएगा मैग्नेट चार्जिंग, मैग्नेट की क्वालिटी की बात करें काफी प्रीमियम क्वालिटी का, कुछ इस टाइप का चार्जिंग का पोर्ट और यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगा। लेंथ की बात करें अराउंड आपको 2 फीट के करीब वायर की कंप्लीट लेंथ देखने को मिलती है। कुछ इस टाइप का ओवरऑल इसका स्ट्रैप दिया गया, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, डिफरेंट कलर वेरियंट में भी अवेलेबल है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 100% स्टेनलेस स्टील बकल दिया गया, इधर बीट एक्सपी की ब्रांडिंग मेंशन है, और ये कंप्लीट मेटलिक बॉडी देखने को मिल जाता है, और बैक साइड में इधर बीट एक्सपी की ब्रांडिंग, इधर चार्जिंग का पोर्ट दिया गया। तो कुछ इस टाइप से आप अटैच कर सकते हो, पूरे वॉच का ये वेट कंप्लीट ले रहा है। काफी सारे स्मार्ट वॉच आते हैं उसके मैग्नेट का जो चार्जिंग रहता है वो प्रॉपर नहीं रहता, बार बार निकल जाता है, यही इसके अंदर मैग्नेट की क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई। और इस स्टिकर को करते रिमूव, क्राउन वाला बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे पावर ऑन हो जाएगा, और जैसे पावर ऑन होगा वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट जो कि थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है एज कम्पेयर टू बाकी स्मार्ट वॉच से, एप्पल वाला वाइब्रेट आपको देखने को मिल जाता है। जब भी आप इसे रोटेट करोगे तो ये हमारे स्मार्ट वॉच के वॉलपेपर भी चेंज होगी, और जब भी इसे टर्न करोगे तो कुछ इस टाइप का साउंड आएगा। इस बटन के थ्रू बैक भी आ जाएगा, डायरेक्ट स्पोर्ट्स के अंदर चल जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड स्वाइप करने के अंदर आपको सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, नो वेदर हो गया, रिसेंट यूज हो गया, हार्ट रेट हो गया, वो सारे इन्फॉर्मेशन है। वहीं ऊपर स्वाइप करने के अंदर आपको देखने को मिलता है क्विक मेन्यू, जिसके थोड़ा ब्राइटनेस कम ज्यादा करना हो गया, ब्राइटनेस ज्यादा करना हो गया, वो भी आप इजीली कर सकते हो। और इसके अंदर आपको स्लीप मोड हो गया, डू नॉट डिस्टर्ब हो गया, सेटिंग के अंदर जाना हो गया, या फिर क्यूआर कोड का ऑप्शन है ऐप से कनेक्ट करने के लिए, या फिर साइलेंट करना हो गया जब भी आप फोन से कनेक्ट कर चुके हो, और नाइट मोड का ऑप्शन भी ओवरऑल देखने को मिल जाता है। नीचे स्वाइप करने पे आपको नोटिफिकेशन शो होंगे, राइट साइड में स्वाइप करने पे आपको शॉर्टकट्स ऐप्स देखने को मिल जाते हैं, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड भी कर सकते हो। शॉर्टकट की बात करें जैसे कि इसके अंदर देखने को मिल जाता है कितना आपने वॉक किया है, कितना आपने कैलोरी बर्न की है, वो स्टेटिस्टिक। और इधर जैसे आप हार्ट रेट चेक करोगे, आपने पहना नहीं रहेगा तो तुरंत ये बता देगा कि आप पहले पहन लीजिए, उसके बाद में हार्ट रेट चेक कीजिए। एसपीओटू का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्ट्रेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीज ऐड करना, जैसे फोन हो गया, वेदर हो गया, म्यूजिक हो गया, वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब मेन मेन्यू की बात करें तो इस वाले बटन को आप प्रेस करोगे तो हम मेन मेन्यू के अंदर आ जाएगा। मेन मेन्यू के अंदर आप जब भी नीचे स्क्रॉल करोगे तो कंटिन्यूअली स्क्रॉल होते रहेगा, आपको लगता रहेगा बहुत ज्यादा मेन्यू दिए गए, पर बहुत ज्यादा नहीं, ये जो कि इनफाइनाइट स्क्रॉल दिया हुआ है, पर मेन्यू हमारे लिमिटेड है। अब क्या मेन्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि फिर से बैक आता हूं, प्रेस करता हूं तो फोन का स्टार्ट होता है, रिकॉर्ड हो गया, स्पोर्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, हार्ट रेट हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्लीप हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया, वेदर हो गया, नोटिफिकेशन, अलार्म का ऑप्शन, म्यूजिक, वेदर, कैमरा, फाइंड माय फोन हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, टाइमर हो गया, वर्ल्ड क्लॉक हो गया, एआई वॉइस, स्टॉप, स्टॉक मार्केट का भी ऑप्शन दिया गया। आप स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हो और वो स्टॉक आपको इसके अंदर ऐड करना है, वो भी आप ऐड कर सकते हो एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करके। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें थोड़ी सी बैटरी ज्यादा यूज होगी, पर जब भी आपका ऑन रहेगा, मतलब बार बार आपको टाइम देखना रहता है, तो वो बेस पे ऑनवेज ऑन। सेटिंग हो गया, गेम हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन करना है बार बार कैलकुलेशन का। कैलेंडर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये भी चीज काफी अच्छी दी गई। काफी सारे स्मार्ट वॉच के अंदर ये सारे एप्लीकेशन है। कलेक्शन मोड का भी ओपन देखने को मिल जाता है, इसके बाद में नेम कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर मल्टीपल आप नेम कार्ड ऐड कर सकते हो अपने डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के फोन का ऑप्शन। सो ये सारे के सारे ऑप्शन। इधर रिकॉर्ड करना तो कुछ भी नो रिकॉर्ड ऐड है, आप स्पोर्ट्स हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, तो ये स्पोर्ट्स के अंदर आप देखोगे तो 100+ स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स से रनिंग कर रहे हो या फिर साइकिलिंग कर रहे हो, जो भी ऐड करना वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये आ जाता है सेटिंग के अंदर, जिसके अंदर ब्राइटनेस कम हो गया, पासवर्ड लगाना तो इसे स्मार्ट वॉच में पासवर्ड भी लगा सकते हो, जब भी पावर ऑन करोगे तो विदाउट पासवर्ड का ये ओपन नहीं होगा, और जब भी पावर ऑफ करोगे विदाउट पासवर्ड का ये ऑफ नहीं होगा। तो ये चीज भी सेटिंग के अंदर, डू नॉट डिस्टर्ब हो गया, लैंग्वेज हो गया, थीम हो गया, इधर थीम को आपको चेंज करना, सेलुलर हो गया, रोलिंग हो गया, जो भी आपका मेन मेन्यू का थीम है वो आप चेंज कर सकते हो। इधर मैं सेलुलर कर देता हूँ, रोलिंग कर देता हूँ, या फिर जैसे कि मैं रोलिंग वाला ज्यादा बेहतर है, जिसके अंदर सारे मेन्यू आराम से विजिबल हो जाते हैं। और उसके बाद में आता हूँ मैं बैक, जैसे मैं बैक आऊंगा इधर आप देख सकते हो, तो मेरा जो भी मेन्यू है सारे के सारे रोलिंग में आ गए। तो रोलिंग वाले एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा सिंपल और ईजी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वो वाले के अंदर इन्फानाइट हमारा नीचे की ओर रोटेट ही होता रहता है। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बीट एक्सपी ट्रैक करके,
और आप ऊपर से अपना ब्लूटूथ भी चालू कर लीजिए इनके साथ आपका ब्लूटूथ चालू नहीं है तो, और वैसे ही एप्लीकेशन बोलेगा ब्लूटूथ चालू करने के लिए जैसे कि इसने बता दिया। और इधर आपको जो भी एक्सेस रहेगा वो एक्सेस नहीं दिए रहेंगे, तो इधर आपको अलाउ एक्सेस करना है इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। और इसके बाद में माई डिवाइस के अंदर आना है बीट एक्सपी टेरा करके, जो कि सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, विद इन सेकंड में कनेक्ट हो गया है। और जब भी आपका कनेक्ट नहीं होगा तो इधर आपको ऐड डिवाइस का ऑप्शन आएगा, तो उस पर टैप करना, टैप करने के बाद में इधर आपको पैर डिवाइस पर क्लिक करना, दैट्स इट, आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है कनेक्ट करना। एप्लीकेशन की यूआई की बात करें तो मेन मेन्यू के अंदर कैलोरी, किलोमीटर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप, स्ट्रेस मॉनिटर, वेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है वॉच फेस गैलरी हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल वॉच फेसेस जो भी चाहिए वो आप इसके अंदर सिंक कर सकते हो। नोटिफिकेशन इनकमिंग कॉल को ऑन ऑफ करना तो वो भी कर सकते हो। एंटी लॉस्ट रिमाइंडर, डू नॉट डिस्टर्ब अलार्म कॉल, क्लॉक हो गया, सैनिटरी मोड हो गया, मेजरमेंट यूनिट हो गया, डेट फॉर्मेट हो गया, जो फॉर्मेट, वाइब्रेशन, बैकलाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैकलाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जो वॉच है कितने टाइम में आपका जो ये डिस्प्ले ऑफ हो जाना चाहिए, तो ये चीज बहुत ही सारे स्मार्ट वॉच के अंदर नहीं रहते। हमारे 30 सेकंड, 20 सेकंड एटलीस्ट होना ही चाहिए कभी भी, 20 सेकंड वाला बहुत ही अच्छा है। रेस्ट टू वेकअप का एचआर, जो कि हार्ट रेट मॉनिटर, पीरियड ट्रैकर, कैमरा हो गया, फायरबग अपडेट हो गया, फोन बुक का हो गया, फोन बुक के अंदर इसके अंदर आपको ऐड करना है कुछ कॉन्टेक्ट, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, जो कि आपके स्मार्ट वॉच में डायरेक्ट एक्सेसिबल रहेगा। वहीं स्टॉक मार्केट ऐड करना तो इधर से आपको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में आपके स्मार्ट वॉच में क्या स्टॉक चला वो भी विजिबल है। माय गार्ड के अंदर जो भी एप्लीकेशन है वो उसके ऐड करने वो भी ऐड कर सकते हो। रिसिप्ट कोड के अंदर आप देख सकते हो ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मी के अंदर आपके डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, गोल, हेल्प सेटिंग, गोल के अंदर आपको कुछ चेंजेस करना तो वो भी चेंज कर सकते हैं, रेगुलर के कितने स्टेप काउंट करना, सेटिंग के अंदर देखने को मिल जाता है ये सारे ऑप्शन। आप एक एक करके रीड करना चाहते हो रीड कर सकते हो। परमिशन के अंदर आपको सारे परमिशन देने रहेंगे, इनके सारे एक्सेस यूज करना है और नहीं यूज करना है तो आप परमिशन रिमूव भी कर सकते हो, तो ये भी चीज काफी अच्छी थी। अबाउट उसके अंदर एप्लीकेशन का डिटेल्स देखने को मिल जाए तो हमें इसकी माइक क्वालिटी की बताया, तो इसके पहले मैं बताया तो इधर आपको स्पीकर देखने को मिलेगा, इधर आपको एक माइक देखने को मिल जाएगा, तो जब भी आप कॉल पे बात करोगे तो जिसके थ्रू आपका साउंड जाएगा। अब आप जो रिकॉर्डिंग सुनने वाले वो इस स्मार्ट वॉच के माइक के थ्रू ही रिकॉर्ड किया हुआ है। अब आप जो कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ये मैं बीट एक्सपी टेरा स्मार्ट वॉच से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप की इसकी माइक क्वालिटी, इतना बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव होगा, इतना क्लियर वॉइस सामने वाले बंदे के पास में जाएगा जब भी वो कॉल पे बात करेगा। तो आपका अंदाजा हो गया रहेगा कुछ इस टाइप की इसकी माइक क्वालिटी है। और जैसे कि इसके अंदर स्पीकर भी दिया गया है, जब भी आप कॉल पे बात करोगे तो इसके स्पीकर के थ्रू भी साउंड आएगा, पर इसके स्पीकर का साउंड ओवरऑल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। जैसे आप कोई भी रूम के अंदर बैठे हो या फिर कोई भी अकेले प्लेस पे हो, अगल बगल इतना साउंड नहीं आ रहा तो प्रॉपरली आपका जो भी साउंड रहेगा इस स्पीकर के थ्रू सुनाई देगा। और ये ब्लूटूथ कॉलिंग यूजफुल होता है भी कि नहीं, जैसे कि मैं कभी कभार अकेले बैठा रहता हूँ या फिर मैं रूम के अंदर बैठा हूँ या फिर ऑफिस के अंदर बैठा हूँ या फिर कार ड्राइव कर रहा हूँ, जैसे कि फोन निकालना डिफिकल्ट है, तो वो बेस पे ब्लूटूथ कॉलिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आप इस पे ब्लूटूथ कॉलिंग पे बात करोगे तो अगल बगल जो भी लोग सभी को सुनाई देगा, जो भी आप बात कर रहे हो इनको भी थोड़ी थोड़ी आवाज आएगी, तो वो बेस पे सामने वाला बंदा कुछ भी कार्ड की डिटेल शेयर करता है, कुछ पासवर्ड शेयर करता है, तो वो भी बगल वाले को सुनाई देगा, तो वो बेस पे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, लोकल प्लेस हो गया, जहाँ भीड़ भाड़ है वहां मैं स्मार्ट वॉच के थ्रू कॉल पे बात नहीं करता हूं। और जब भी इस स्मार्ट वॉच के अंदर कॉल आएगा तो इस कॉल को आप अटेंड कर सकते हो, कट कर सकते हो, पर साइलेंट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, अपने फोन का आपको साइलेंट करना है, हो सके इन फ्यूचर अपडेट में आ जाए साइलेंट करने का। अटेंड करने के बाद में आप स्विच कर सकते हो, ईयरपीस कट कर सकते हो जो कि आपने बात कर लिया, और म्यूट करना, तो ये भी ऑप्शन आपको ओवरऑल देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की बात करें, इन्होंने मेंशन किया हुआ है 7 डे का बैटरी लाइफ, पर मैंने इसे यूज किया, आपको 7 डे तो बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलेगा, अराउंड 5 से लेकर 6 डे आप बैटरी लाइफ देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप एप्लीकेशन यूज करो कनेक्ट करके मे बी 4 डे तक भी बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल जाती है। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल कॉलिंग रहता है, कोई उसका कॉल आया उसको अटेंड करना है, देखना है या फिर कट करना है, और जो कि मैंने रेगुलर कितना स्टेप वॉक किया, 1000 स्टेप हो गया, 6000 स्टेप हो गया, तो वो चीज के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूज करता हूँ। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो कंप्लीट चार्ज होने में ये ले लेता है 1 आवर। पर एक स्मार्ट वॉच आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट ऑफ द पीपल लोग स्मार्ट वॉच बाय कर रहे हो, और इसे जो कि चेंजेस भी आते हैं लाइफ में, जो कि आप टाइमर लगाते हो, कुछ भी टास्क वगैरह कंप्लीट करते हो तो आपका फोन भी दूर रहता है, और कुछ भी वर्क कर रहे हो, कोई भी कॉल आता है तो आपका स्मार्ट वॉच में दिख जाएगा, तो आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे। काफी बार क्या फोन पास में रहता है, किसका भी कॉल आया, कॉल उठाने के बाद में हम इंस्टाग्राम यूट्यूब चालू कर लेते हैं, वही एक स्मार्ट वॉच के तो आप काम करो, मेरा फोन मैं थोड़ा दूर रख देता हूं, ब्लूटूथ कनेक्ट रहता है, इंपॉर्टेंट कॉल रहता है तो इधर से अटेंड कर लेता, नहीं रहता तो कट कर लेता, तो फोन पास में नहीं रहता तो डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है और लाइफ में इंप्रूवमेंट भी आता है। और इसके स्ट्रैप को आप रिमूव भी कर सकते हो, ऑनलाइन पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैप भी अवेलेबल है, विंकलिंग भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर में हो गया या फिर स्टेनलेस स्टील टाइप स्ट्रैप चाहिए तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजन से बाय की 1299 के, अमेजन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम स्मार्ट वॉच 1300-1400 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। और ये वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो, 6 मंथ में इस टाइप की स्मार्ट वॉच अपडेट होते रहती है, जो लेटेस्ट वाली रहेगी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।